हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर लेक्चर नंबर 7, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंपोजिट सेक्शन के बारे में पढ़ा, ठीक है, और मॉड्यूलर रेशियो के बारे में पढ़ा। तो अब उसके न्यूमेरिकल हम देखेंगे। ओके, सो हियर इज द न्यूमेरिकल। अ स्टील ट्यूब ऑफ 200 mm एक्सटर्नल डायमीटर एंड 15 mm थिक इज फिल्ड विथ कॉन्क्रीट टू मेक इट्स अ कॉम्पोजिट कॉलम। जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम मकान बनाते हैं तो हमको कॉलम बनाना है, तो पहले तो हम उसके जो स्टील के जो रोड होते हैं वो उनको फिक्स करके स्ट्रक्चर बना के रखते हैं और फिर उसके अंदर कंक्रीट को फिल करते हैं। इफ परमिसिबल स्ट्रेस इन अ स्टील इज 130 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर एंड मॉड्यूलर रेशियो इज 18, कैलकुलेट द लोड कैरीड बाय द कॉलम। स्टील नो एक ट्यूब जेनो बाह्य व्यास 200 mm અને ધાતુની જાડાઈ 15 mm છે તેમાં કોન્ક્રીટ ભરીને સમિશ્ર આડછેદ વાળો કોલમ બનાવવામાં આવે છે। જો સ્ટીલમાં માન્ય પ્રતિબળ એટલે કે સ્ટીલનો સ્ટ્રેસ 130 ન્યૂટન પર mm સ્ક્વેર હોય અને મોડ્યુલર ગુણોત્તર 18 હોય તો કોલમ દ્વારા વહન થતો ભાર ભાર એટલે કે ટોટલ P શોધો। સો હિયર વી હેવ ટુ કેલ્ક્યુલેટ P। ओके, कैलकुलेट द लोड कैरीड बाय द कॉलम। वी हैव टू कैलकुलेट द लोड कैरीड बाय द कॉलम, मतलब कॉलम द्वारा वहन થતો ભાર શોધવાનો છે। તો નોટ બોલ પેન લઈ લ્યો અને એમાં આ ન્યુમેરિકલ લખી અને મારી સાથે સાથે આ ન્યુમેરિકલ ને કેલ્ક્યુલેટ કરતા જાઓ। ઓકે, સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી હેવ ટુ રાઇટ given data। Here is the figure of that example। जरा आप देख सकते हो कि अंदर की साइड जो है वो कॉन्क्रीट भरा हुआ है और बाहर की साइड जो है वो स्टील है। क्लियर, मतलब देर आर टू सर्कल, वन इज फॉर कॉन्क्रीट, स्मॉल वन इज and larger one is for the steel tube। तो ये जो ट्यूब है स्टील की वो अंदर से होलो है, मतलब अंदर तो कॉन्क्रीट भर दिया तो स्टील तो बाहर बाहर ही रहेगा। ओके, तो ऐसा आपको एक ड्रॉइंग बनाना है। अब गिवन डेटा के अंदर क्या क्या डेटा दे रखा है वो हम देखते जाते हैं। फर्स्ट है आपका डायमीटर 200 mm, जो आउटर डायमीटर है। आउटर डायमीटर मतलब जैसे यहाँ पे मैंने एक ड्राइंग में बनाता हूं, सो ये दो डायमीटर मैंने बनाए, तो आउटर डायमीटर मतलब ये बाहर वाला इधर से लेकर इधर तक का आउटर डायमीटर डी। समझ में आया सबको, ये हो गया आपका आउटर डायमीटर। इनर डाय मतलब ये स्मॉल डी, इनर डायमीटर मतलब अंदर का डायमीटर। क्लियर, इनर डाया एंड आउटर डाया। तो हियर इज द आउटर डायमीटर इज गिवन। मॉड्यूलर रेशियो, मॉड्यूलर रेशियो ई एस अपॉन ई सी इज इक्वल टू 18, वो ऑलरेडी एग्जाम्पल में दे रखा है। स्ट्रेस इन स्टील, स्टील की जो ट्यूब है उसके अंदर स्ट्रेस दे रखा है 130 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। थिकनेस, थिकनेस मतलब ये जो आपकी क्रॉस सेक्शन में इधर ड्रॉ कर रहा हूं वो उसकी थिकनेस है स्टील की, ठीक है। तो स्टील की जो थिकनेस है वो टी कितना दे रखा है, 15 mm। टी इज इक्वल टू 15 mm।
ओके तो अब हमको स्मॉल डी फाइन करना है, डायमीटर बाहर का दिया हुआ है और ये थिकनेस हमको दे रखी है 15, ओके सो फिर से मैं इधर ड्राइंग करता हूं। अगर मेरे को यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू दे रखी है, ओके और इधर है टी और इधर भी है टी, तो मुझे यहां से लेकर यहां तक की अगर वैल्यू चाहिए ये स्मॉल डी का डायमीटर, तो कैपिटल डी में से मुझे ये दोनों टी को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है सबको? ये दोनों टी को अगर मैं ये जो एक टी और ये दूसरा टी उसको मैं ये कैपिटल डी में से निकाल दूंगा तो मुझे कितना एरिया मिलेगा, तो ये स्मॉल डी का एरिया मिलेगा। समझ में आया? सो कैपिटल डी माइनस 2 times स्मॉल टी, तो मुझे मिल जाएगी वैल्यू ऑफ स्मॉल डी। क्लियर? सो राइट डाउन द वैल्यू ऑफ स्मॉल डी। कैपिटल डी है कितना है हमारा, कैपिटल डी है हमारा 200 एंड स्मॉल डी दे रखा है हमारा 30। सो 200 माइनस 30 कितना आ गया, 170 mm। ओके नेक्स्ट। नाउ अब हमको फाइंड करना है स्टील का एरिया, मतलब ये आउटर की साइड जो आपको दिख रही है रिंग, जो ये रिंग है पूरी, उसका एरिया मेरे को चाहिए। तो ये रिंग का एरिया मेरे को चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल में रिमूव करूंगा। तो यहां पे आपको पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो मैंने बड़े सर्कल में से पाई बाय 4 डी स्क्वायर, बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया रिमूव किया, तो मुझे जो बाकी बचेगी जो ये रिंग उसका एरिया मिलेगा। तो रिंग का एरिया जो है उसका फॉर्मूला होगा AS, एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल टू पाई बाय 4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। क्लियर? तो अभी आप इसको याद रख लीजिए, वैल्यू पुट करके कैलकुलेटर की मदद से एरिया ऑफ स्टील आप फाइंड कीजिए। तो एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेटर में आप फाइंड करोगे तो उसकी वैल्यू आपको मिलेगी 8717.92 mm². सो ये हो गया हमारा गिवन डेटा एंड एरिया ऑफ द स्टील ट्यूब। क्लियर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट, अब हमको फाइंड करना है कंक्रीट का एरिया। कंक्रीट का एरिया का फॉर्मूला नॉर्मल, क्योंकि वो एक पूरा सर्कल ही है। जैसे वापस एक बार हम देखें, कंक्रीट का एरिया जो है वो है आपका पूरा सर्कल। तो नॉर्मल सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। सो इधर कंक्रीट का जो एरिया है वो हो गया पाई बाय 4 स्मॉल डी स्क्वायर। ओके, डी स्क्वायर की जगह पे 170 पुट कर दिया, तो कैलकुलेटर की मदद से फाइंड करते ही हमको मिलेगा 22698 एरिया ऑफ द कॉन्क्रीट। समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट, कंपोजिट सेक्शन की जो थियरी हमने पढ़ी थी उसके अंदर हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था, सिग्मा एस अपॉन कैपिटल ई एस सिग्मा सी अपॉन ई सी। उधर इधर C की जगह पे 1 और S की जगह पे 2 ऐसा लिखा हुआ था, बट मटेरियल 1 और मटेरियल 2, इधर अपना मटेरियल 1 है स्टील
और इधर मटेरियल टू है कॉन्क्रीट, तो इधर हमने एस और सी लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना. ओके, सो सिग्मा एस अपॉन ई एस, सिग्मा सी अपॉन ई सी. नाउ अब मुझे वैल्यू चाहिए सिग्मा एस की, तो सिग्मा एस को मैं करता बनाऊंगा. तो सिग्मा एस की जगह पे जो ये स्मॉल वाला सॉरी कैपिटल ई एस है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा इन अ मल्टीपल, बिकॉज वो इधर नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा. तो ई एस इज सॉरी सिग्मा एस विल बी ई एस अपॉन ई सी इंटू स्ट्रेस सी सिग्मा सी. नाउ इन डेटा सिग्मा एस इज गिवन 130, ई एस अपॉन ई सी की वैल्यू 18 दे रखी है गिवन डेटा में से आप ले सकते हो, और सिग्मा सी की वैल्यू जो है वो हमको फाइंड आउट करनी है. सो सिग्मा सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 113 अपॉन 18. सो इन केल्सी फाइंड आउट 130 अपॉन 18, इट विल बी 7.22 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ओके, नाउ जो हमको फाइंड आउट करने को बोला है टोटल लोड, टोटल लोड क्या होता है, पी, पी इज इक्वल टू पी एस प्लस पी सी. पी एस का फॉर्मूला है सिग्मा एस अपॉन एस, पी सी का फॉर्मूला है सिग्मा सी इंटू ए सी. तो अब हमारे पास सारी वैल्यू है, सिग्मा एस की वैल्यू है, ए एस की वैल्यू है, सिग्मा सी की वैल्यू है, ए सी की वैल्यू है, तो सारी वैल्यू को हम पुट करेंगे. तो यहाँ पे कैलकुलेटर में आप ये सारी वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए. तो केलसी में आप फाइंड आउट करोगे तो आपकी ये वैल्यू आएगी 1297209.16. तो ये लेंथ बहुत लंबी है, इसको अपन छोटी करने के लिए इसको अपन किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं. तो जो पॉइंट की वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड आपकी बढ़ जाएगी लाइक दिस. तो जितना आप किलो लगाएंगे तो 3 पॉइंट इधर मूव होगा, 1, 2 एंड 3. सो इन किलो न्यूटन इट विल बी 1297.20 किलो न्यूटन इज द आंसर. तो दोनों आंसर सही है, आप न्यूटन में भी रख सकते हो, किलो न्यूटन में भी रख सकते हो, तो कंफ्यूज मत होना. ओके, तो यहाँ पे हमारा कंपोजिट बार का और कंपोजिट सेक्शन का न्यूमेरिकल खत्म होता है. क्लियर, अगर किसी को भी कुछ डाउट हो तो वो कॉल करके पूछ सकता है. नाउ टाइम फॉर द होमवर्क. सो हियर इज द वन न्यूमेरिकल फॉर द कंपोजिट बार. बुक के अंदर एग्जाम्पल 1 है कंपोजिट बार का. अगर आपको कहीं पे भी मुश्किल होती है तो बुक में से भी जो आपकी प्रॉब्लम है वो देख सकते हो कहीं पे भी, फिर वापस से आप अपने आप से खुद से ही न्यूमेरिकल करना. अ सिलेंड्रिकल स्टील बार ऑफ 100 mm डायमीटर इज इंक्रीज्ड इंसर्टेड इन अ कॉपर पाइप ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर 200 mm and internal diameter 100 mm. A compressive load of 45 kN is applied on this compound section. Find out stress and compressive strain in both the metal. Take ES is equal to 210 kN per mm square and EC is equal to 110 kN per mm square. Okay, so aapko ye numerical अपनी नोटबुक के अंदर खुद से सोल्व करना है और इसको गूगल क्लासरूम के अंदर सेंड करना है. ओके, एक चीज याद रखिए, आपको होमवर्क जो है आपका सभी सब्जेक्ट का वो गूगल क्लासरूम के अंदर ही सेंड करना है, बिकॉज वहां पे आपका पूरा रिकॉर्ड रहेगा. अगर आप व्हाट्सएप करते हो तो उसके अंदर आपका रिकॉर्ड रह सकता नहीं है. तो सबसे रिक्वेस्ट है कि जो आपका होमवर्क है वो गूगल क्लासरूम के अंदर ही सेंड कीजिए, और अगर आपको व्हाट्सएप पे करना है तो भी करिए, लेकिन गूगल क्लासरूम में अवश्य करिए. ठीक है, तो आज का लेक्चर को हम इधर स्टॉप करते हैं. थैंक यू फ्रेंड्स.